नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पृष्ठों से ना जाने कितने बहुजन महापुरुषों की बेचार की साहस संघर्षों की अनगिनत शौर्य कथाओं को मिटाकर उन्हें अपने शौर्य की कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया, या यूं कहें तो जानबूझकर अलिखित छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप बहुत सी पीढ़ियां इन सत्यों से अनभिज्ञ रह गईं। दूसरी ओर इतिहास में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इतिहास को जातीय जमा पहनाकर लिखा गया। ऐसी ही एक महान क्रांतिकारी थी महानायिका नांगेली। स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महानायिका नांगेली को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने सदियों से खुले अंग प्रदर्शन की कुरीति रिवायत को समाप्त किया। बलिदान की साक्षात रूप महानायिका नांगेली ने परंपरा के नाम पर स्त्रियों पर थोप दी गई मिथ्यावादी प्रथा को विखंडित किया। स्वतंत्रता पूर्व सन 1719 से 1949 के प्रारंभिक दौर का समय स्त्री काल का तिमिर काल ही था। दक्षिण भारत के त्रावणकोर यानी केरल से तमिलनाडु का कुछ भाग में स्त्रियों के लिए बेहद घिनौनी अश्लीलता की परिचायक परंपरा थी, जिसे स्त्रियों पर ऊंची जातियों के सम्मान का सूचक बनाकर थोप दिया गया। किंतु असलियत यह थी कि पुरुष प्रधान स्थापत्य में स्त्रियों को लिंग भेद दृष्टि के कारणवश हीन भावना से ग्रसित किया गया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये परंपरा पुरुषों को शारीरिक रूप से उत्तेजित कर स्त्रियों से जिस्मानी ताल्लुकात का खुलेआम आमंत्रण थी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सवर्ण स्त्री भी राज परिवार मंदिर के पुजारी के समक्ष अर्धनग्न अवस्था में जाती थी, लेकिन उन्हें बाजार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर ऊपरी शरीर ढकने की अनुमति थी। उन पर कोई दंडनीय प्रावधान नहीं था। इसके दूसरे पहलू का यथार्थ और भी भयावह कुरूप और क्रूर है। वन व्यवस्था में अंतिम श्रेणी की स्त्रियों के साथ हैवानियत का व्यवहार किया जाता था। इन्हें स्त्रियों के लैंगिक ही नहीं बल्कि दलित स्त्री होने के दुष्परिणामों को भी भोगना पड़ा। जातीय जड़ों में भरे जहर ने दलित स्त्रियों के लिए विषाक्त वातावरण तैयार कर दिया। दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर भी स्तन भाग ढकने की इजाज़त नहीं थी। यदि किसी ने साहस जुटाकर मंदिरों के पुजारी के सामने कोई थोड़ा सा भी कपड़ा इस केचुकी भाग पर लिपटा लिया तो पुजारी उसे अपने पास रखे लाठी पर बंधे चाकू से फाड़ दिया करता था। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि नुकीली चाकू छाती के उस हिस्से को रक्त जनित न करते हो, लहूलुहान होकर वह दर्द से न चीखी हो। इतने भर से भी इनके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती थी। तत्पश्चात भी दंडनीय रूप में नग्न अवस्था में स्त्री को भीड़ इकट्ठा करके सरेआम पेड़ पर लटका दिया जाता था। इतना ही नहीं, स्तन अनुसार टैक्स वसूली भी महिलाओं से की जाती थी ताकि ऋण कभी चुका ही ना पाए और गुलामगिरी कायम रहे। ये वो समय था जब निर्मरतापूर्ण यातनाएं चरम सीमा पर थीं। इन कठोर दंडों टैक्स के दो सबब थे, एक दलित जाति के लोगों को भयभीत करना ताकि वे दमनकारी शक्तियों के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, दूसरा उद्देश्य गुलामी की ओर धकेल जातीय हीनता बोध कराना। स्त्री काल के इस तमस युग की नादर समुदाय की महान क्रांतिकारी नायिका ने इस सांधर्मार्थी प्रथा को समाप्त करने का संकल्प किया। वीरांगना नांगेली ने अपने स्तन ढकने के अधिकार के स्वर को बुलंद किया। ये सोचकर ही दिमाग की नसें तन जाती है कि ये स्त्री कैसा महसूस करती होंगी। पुरुषों की कुदृष्टि जब इनके शरीर को चीर कर जाती होगी, आत्मा छन्नी होकर शर्म से धरती में गड़ जाती होगी। उस समय के मर्दाना वर्चस्ववादी समाज में बगैरती की इंतहा थी। समाज की शक्तिशाली दंगी दमनकारी शक्तियों के गठित नियमों को विखंडित करना बहुत दुर्लभ कार्य था। किंतु उस संघर्षशील क्रांतिकारी ज्वाला ने अपने स्तन बलिदान कर अपने सुदृढ़ संकल्प को पूरा किया। अपनी देह के ऊपरी भाग पर वस्त्र धारण कर समाज के मठाधीशों को चुनौती दी। उन्होंने जलते सुर्ख अंगारों में
हसिया को दबाकर गर्म किया तथा उनसे अपने दोनों स्तनों को छाती से अलग करके केले के पत्ते पर रख दिया। जब टैक्स वसूली हेतु अधिकारी आए तो टैक्स के रूप में उन्हें अपने दोनों लहूलुहान स्तन प्रस्तुत कर दिए। अत्यधिक रक्त प्रवाह होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में ऐसे भी साक्ष्य हैं कि उनके पति ने उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उनकी मृत्यु उपरांत नादर स्त्रियों ने इस अधिकार आंदोलन को बहुत तेजी से की। 26 जुलाई 1859 में भारतीय स्त्रियों को वस्त्र धारण करने का अधिकार मिला। टैक्स से भी मुक्ति मिली। इस अधिकार की जंग में टीपू सुल्तान का महत्वपूर्ण योगदान भी इतिहास में लिखित रूप में मिलता है। महान क्रांतिकारी स्त्री गर्व महान नायिका नांगेली जी को उनके साहसिक कार्य बलिदान हेतु जितने अलंकारों से सुशोभित किया जाए कम है। उनके शौर्य को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। भारत की स्त्रियां विभिन्न पोशाक को आज धारण किए हुए जो सौंदर्य दिखती है वह उन्हीं के महान बलिदान की बदौलत हासिल हुई है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।